हेलो दोस्तों, तो चलिए अब हम बात करते हैं 2019 में चर्चित रही पुस्तकों और उनके लेखकों के बारे में। लेखक देखते हैं, पुस्तकें देखते हैं। तो पुस्तक है फॉर्टून टर्नर्स द क्वार्टेट दैट स्पॉन इंडिया टू गैलोरी के आदित्य भूषण और सचिन बजाज ने लिखी है। भारत की चार स्पिन किन वन दंतियों पर किताब बिशन सिंह बेदी, ईरापल्ली प्रसन्ना भागवत चंद्रशेखर और एस वेंकट राघवन। पुस्तक है अपनी द शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, ये लिखी है राजेंद्र बी आलेकर। फिर है पुस्तक बिग बिलियन स्टार्टअप आ अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी, तो ये मेहर दलाल। फिर कश्मीर अनटेल्ड स्टोरी डेक्लासिफिकेशन शीर्षक की पुस्तक के लेखक हैं दिल्ली स्थित फिल्म निर्माता इकबाल चंद मल्होत्रा और रक्षा विश्लेषक मरूफ रजा। फिर अपनी रिसर्जेंट इंडिया बुक रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर विमल जलान द्वारा लिखी गई है। फिर है पुस्तक जिसका शीर्षक है श्री देवी गर्ल वुमन सुपरस्टार, कुपट कथा लेखक सत्यार्थ नायक ने लिखा है। फिर है अपनी उपराष्ट्रपति की पुस्तक है लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग का विमोचन किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की पुस्तक का लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग का विमोचन किया है। अगली हमारी पीएम मोदी ने पूर्व पीएम चंद्रशेखर पर पुस्तक का विमोचन किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और रवि दत्त वाजपेयी द्वारा लिखित चंद्रशेखर वैचारिक राजनीति का अंतिम प्रति पुस्तक का विमोचन किया है। अगली हमारी पुस्तक हु स्टॉल माई जॉब सुनील मिश्रा द्वारा लिखी गई है। हु स्टॉल माई जॉब थ्रे विवेक दीपनी पुस्तक लिखी है आदि शंकराचार्य द्वारा, विवेक दीपनी। अगली हमारी एक प्राइम मिनिस्टर टू रिमेम्बर शीर्षक वाली पुस्तक पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल सुशील कुमार द्वारा लिखी गई है। अगली हमारी द न्यू दिल्ली कॉन्सपिरेसी, इसकी शीर्षक वाली पुस्तक भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने लिखी है। अगली है वॉर ओवर वर्ड्स सेंसरशिप इन इंडिया 1930 से 1960 पुस्तक लिखी है देविका सेट्टी द्वारा। विस्पर्स ऑफ टाइम पुस्तक डॉक्टर कृष्णा सक्सेना द्वारा लिखी गई। फिर है आत्मकथा लेसन्स लाइव थ्रो मी अननोनली बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर की आत्मकथा है। फिर है अपनी पुस्तक फंक्शन ऑफ डाटा सोवर जेंट्री द परसूट ऑफ सुपरमेसी, लेखक हैं विनीत गोयन का। अगली पुस्तक शीर्षक है क्रिकेटर विश्व कप द इंडियन चैलेंज, तो इसके लेखक हैं आशीष रे। अगली पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कॉलिशन हैंडबुक, इसके पत्रकार हैं इसके लेखक सबा नकवी। अगली है नो प्रेजेंट प्लीज नामक पुस्तक है जयंत काकिनी द्वारा लिखी गई। अगला है हमारा डार्कनेस टू लाइट शीर्षक वाली पुस्तक पूर्व अमेरिकी पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी लेमर ओडम द्वारा लिखी गई। आत्मकथा है शीर्षक माय लाइफ माय मिशन योग गुरु बाबा रामदेव की आत्मकथा है। यह पुस्तक वरिष्ठ पत्रकार उदय माहूर कर के साथ सहलेखक है। अगली है गेम चेंजर शीर्षक वाली आत्मकथा शाहिद अफरीदी की है।
पाकिस्तान की पूर्व क्रिकेटर टीम के कप्तान। इस पुस्तक के सह लेखक हैं अफरीदी और पत्रकार वजाहत एस खान। अगली हमारी इंडियन, कौन सी? इंडियन इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, भारत के 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बाई बी रेड्डी, भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन के सिंह। ने पुस्तक का विमोचन किया है। अगली हमारी शेफॉन स्वार्ट्स शीर्षक वाली पुस्तक के लेखक हैं मनोज सिंघा रावल। अगली हमारी पुस्तक द थर्ड पिलर हाउ मार्केट एंड द स्टेट लीव द कम्युनिटी बिहाइंड शीर्षक वाली पुस्तक के लेखक हैं राम राजन राजन आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। अगली हमारी एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया इलेक्शन शीर्षक वाली पुस्तक के लेखक हैं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला। पूर्व उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी ने पुस्तक का विमोचन किया है। अगली हमारी इंडिया पॉजिटिव इस शीर्षक वाली पुस्तक के लेखक हैं चेतन भगत। इंडिया पॉजिटिव शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं चेतन भगत। अगली हमारी सिंपलिसिटी विंडोम शीर्षक वाली पुस्तक के लेखक हैं श्री दिनेश साय। अगली हमारी खूनी बैसाखी शीर्षक वाली पुस्तक के लेखक हैं नानक सिंह। जलियाल वाला बाग के उत्तरजीवी हैं। पंजाबी लेखक नानक सिंह द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड पर लिखी गई एक कविता खूनी बैसाखी का अब अंग्रेजी में अनुवाद किया है। इसे वर्ष 1920 में अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंध कर दिया गया था। सिंह 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में मौजूद थे। उस समय उनकी आयु 22 वर्ष की थी। जलियांवाला बाग नरसंहार के बारे में 100 वर्ष पुरानी पारंपरिक पंजाबी कविता खूनी बैसाखी के अंग्रेजी अनुवाद वाली एक पुस्तक अबू धाबी में जारी की गई है। यूएई में भारत के राजदूत नवदीप सिंह सूरी ने पुस्तक के विमोचन की सराहना की है। मार्च में हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा इसे जलियांवाला बाग की शताब्दी के अवसर पर प्रकाशित किया जाएगा। अगली हमारी क्वालिटी एक्रेडिटेशन रैंकिंग शीर्षक वाली पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर एच चतुर्वेदी। अगले मन की बात ए सोशल रिस्पॉन्स रेवोल्यूशन ऑन रेडियो रिवोल्यूशन ऑन रेडियो शीर्षक वाली पुस्तक है। इसके लिए अरुण जेटली ने ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा लिखित मन की बात ए सोशल रेवोल्यूशन ऑन रेडियो शीर्षक वाली पुस्तक का विमोचन किया है। तो याद रखिए यह मन की बात ए सोशल रेवोल्यूशन ऑन रेडियो शीर्षक वाली पुस्तक का विमोचन किया है अरुण जेटली ने। वह लिखी है ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा। अगली है मूविंग फॉरवर्ड ए ईयर इन ऑफिस शीर्षक वाली पुस्तक के लेखक हैं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी। अगली पुस्तक हम विस्थापित हैं इसकी एक पुस्तक लिखी है मलाला यूसी फजई द्वारा। अगली है पुस्तक अनडू इट सेविंग ए आइडिया ऑफ इंडिया पी चिदम्बरम द्वारा पुस्तक लिखी गई है। पूर्व वित्त मंत्री हैं। इन्होंने लिखी है अनडू एड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया। अगली हमारी पुस्तक ब्लू वाटर्स आहोर वाइस एडमिरल अनूप सिंह ने लिखी है। अगली हमारी पुस्तक चेंजिंग इंडिया ए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लिखी। अगली पुस्तक है अर्ली इंडिया द स्टोरी ऑफ आवर एंसेस्टर्स एंड वेयर वी केम फ्रॉम ये टोनी जोसेफ ने लिखी। अगली ये पुस्तक रेडियो कश्मीर टाइम्स ऑफ पीस एंड वॉर ये डॉक्टर राजेश भट्ट ने लिखी है। अगली पुस्तक है योग और दिमागीपन ये मानसी गुलाटी ने लिखी है। अगली हमारी द रूल ब्रेकर्स ए प्रीति सेनोर ने लिखी है। अगली ये पुस्तक अटल जी ने कहा ये विजेंद्र ही ने लिखी है। अगली ये पुस्तक हमारी 281 एंड बियॉन्ड PVS लक्ष्मण द्वारा लिखी गई है। ये अनुभवी क्रिकेटर हैं आत्मकथा है।
अगली पुस्तक नो स्पिन, सैन वॉर्न ने लिखी है, अनुभवी क्रिकेटर आत्मकथा है। अगली पुस्तक गांधी द ईयर्स डेट चेंज द वर्ल्ड, ये रामचंद्र गुहा ने लिखी है। अगली उपन्यास हमारी वार लाइट, माइकल ओंडा टेजे मैन बुक पुरस्कार सूची में नामित थे। अगली हमारी उपन्यास द इंग्लिश पेशेंट, माइकल ओंडा टेजे गोल्डन मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 के विजेता है। अगली हमारी पुस्तक विनिंग लाइक सौरव, थिंक एंड सक्सीड लाइक गांगुली, ये अभिषेक भट्टाचार्य हैं इसके। अगली है स्टेट टॉप पुस्तक, अभिषेक मनु सिंघवी ने लिखी है। अगली पुस्तक है एक क्रॉस द बेंच, इनसाइट इन द इंडियन मिलिट्री, ज्यूसी कियल कियल सिस्टम के लेखक है ज्ञान भूषण। अगली है पुस्तक कालिंग सहमत के लेखक है हरिंदर एस सिक्का। अगली है माई जर्नी फ्रॉम मार्क्सवाद लेनिनवाद से नेहरूवाद वादी समाजवाद पुस्तक के लेखक हैं सी एच हनुमंथा राव, वह पूर्व योजना आयोग और वित्त आयोग के सदस्य हैं। पुस्तक को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा जारी किया गया था। अगली है स्मार्ट सिटीज अनबंडल पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर समीर शर्मा। अगली है भारत का विरासत का घराना संगीत ग्वालियर के पंडित पुस्तक के लेखक है मिता पंडित। चलिए तो ये 2019 की चर्चित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थीं।